गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज आपका मुझे एक बात पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास के तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। आज आपको कक्षा दो का जो विषय मिल गया कर उसका प्रकरण यानी टॉपिक है विलोमशब्द, वो मैं आज आपको समझाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द जो होते हैं वह शब्द के विपरीतार्थ के ही उल्टे अर्थ देते हैं। यानी एक शब्द दे दिया और उसका उल्टा अर्थ क्या होता है, वो होता है विलोम। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सत्य, जैसे हमने लिखा सत्य, तो सत्य जो शब्द है इसका उल्टा यानी विपरीतार्थ क्या होगा, उसका होगा असत्य। जैसे हम कहते हैं ना सच और झूठ, तो सच का विपरीतार्थ होता है झूठ। तो आपको अगर इधर वाला शब्द यहाँ दे दिया जाए तो इसका भी हम विलोम ये वाला इधर लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो ये वाले शब्द है उनका उल्टा इधर लिखा जाए, इधर वाले इधर भी लिखे जा सकते हैं और उल्टा जो अर्थ होगा वो इधर लिखा जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दूर, दूर, तो इसका उल्टा क्या होगा, निकट यानी पास, है ना। जैसे नेक्स्ट हमने लिखा गर्म, अब गर्म जो है उसका हम अगर उल्टा कहें या विपरीतार्थ कहें या विलोम कहें तो वह होगा ठंडा, गर्म का ठंडा। अगर आपको ठंडा शब्द इधर दे दिया जाता तो इसका विलोम गर्म हम इधर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है कठिन, अब कोई चीज़ हमें इतनी डिफिकल्ट लगती है और कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी लगती है। कठिन यानी डिफिकल्ट होता है और कठिन का उल्टा क्या होता है, सरल यानी ईजी, है ना। जैसे मान लीजिए दो क्वेश्चन है, हम क्या कहते हैं, मैं तो मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट था यानी कठिन था, परंतु दूसरा जो क्वेश्चन था वह सरल था, तो कठिन का उल्टा सरल होगा और अगर सरल का उल्टा पूछा जाए तो कठिन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा जाए स्वर्ग, स्वर्ग, तो स्वर्ग का उल्टा या विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा, नरम। ये आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर मान लीजिए सत्य का असत्य है, यदि असत्य यहाँ लिखा होता और इसका विलोम पूछा होता, उल्टा या विपरीतार्थक पूछा होता, तो हम ये सत्य शब्द इधर लिखते, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हमने लिखा है कड़वा, कड़वा, तो कड़वा का उल्टा क्या होता है, मीठा, ये तो हम सब जानते हैं, और मीठा का उल्टा कड़वा, तो हम ऐसे भी ये लिख सकते हैं। फिर है जैसे अमृत, हम कहते हैं ना किसी भी चीज को कि ये तो अमृत के समान है, तो अमृत का उल्टा होता है विष यानी जहर। जैसे कुछ लोग कह देते हैं यह अमृत के समान है और ये विष के समान है यानी जहर के समान है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हमने लिखा धूप, धूप का उल्टा या विपरीतार्थक होता है छाया, छाया भी लिख सकते हैं, छाया भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा शब्द कठोर, कठोर यानी सख्त किसे बोलते हैं, तो उसका उल्टा या विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा, कोमल, सॉफ्ट जिसे बोल रहे हैं, तो कठोर का कोमल। अगर आपको कोमल शब्द इधर दे दिया जाता इसका उल्टा या विपरीतार्थक लिखना होता तो हम लिखते कठोर। जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा खुशबू, यानी हमें हम कह रहे हैं ना हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, परंतु इसका उल्टा क्या होगा, बदबू, बदकार होता है बुरा, तो खुशबू का उल्टा होगा बदबू। ये मैंने आपको कुछ मेन मेन समझाए हैं, बाकी आपको आगे होमवर्क में मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे सब अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।